नमस्ते छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में और उससे लगते हुए उड़ीसा और झारखंड के भाग में भाग में एक शांतिपूर्ण क्रांति आ रही है और वो शांतिपूर्ण क्रांति है घर वापसी की आप लोगों को सुनने में निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि मैं संभवतः अतिशयोक्ति कर रहा हूं लेकिन यह अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह काम किया जा रहा है जुदेव परिवार के राजकुमार या अब तो राजा ही है प्रदल प्रबल प्रताप सिंह जुदेव द्वारा वे दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र हैं दिलीप सिंह जुदेव ने यह कार्य आरंभ किया था सरगुजा क्षेत्र में जो सरगुजा उत्तरी छत्तीसगढ़ में है और आपके झारखंड से लगता हुआ है साथ में उसके पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं और उत्तरी भाग में उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में है तो आपको ध्यान होगा कि हमने इस पर एक बार पहले भी कार्यक्रम किया था और आपको बताया था कि किस प्रकार से प्रबल प्रताप सिंह ने कोई ढाई तीन सौ जनजाति के लोगों को घर में वापसी दिलाई है यानी कि हिंदू धर्म में वापस उनको लाए हैं अब जो समाचार आ रहा है वो ये है कि पाँच हमारे जनजातीय भाई बहनों को वो वापस लेके आए हैं सुंदरगढ़ ज़िले के उड़ीसा के, के सुंदरगढ़ जिला जिसमें राउरकेला भी आता है उसके जमूरिया ग्राम में और ये सारे के सारे मुंडा जनजाति से संबंधित भाई बहन हैं मुंडा जनजाति वही है भगवान बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति की थी यदि आप कभी रांची गए हो तो रांची में आज भी आपको बिरसा मुंडा सर्कल पर बिरसा मुंडा जी की मूर्ति प्रतिमा लगी हुई मिल जाएगी तो यह जो कार्य हो रहा है इसकी जो एक विशिष्टता है वो विशिष्टता ये है कि प्रबल प्रताप सिंह जी जो हैं पहले पूरे अनुष्ठान कराने के बाद सबकी घर वापसी विधि पूर्वक शुद्धिकरण के बाद उसके बाद सबके पैर पखारते हैं एक एक भाई और बहन जो घर वापसी करता है उसके स्वयं वह पैर पखाड़ते हैं और यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो कार्यक्रम हुआ है वो उड़ीसा की जो एक धर्म जागरण की संस्था है उसके सहयोग से और साथ में और भी अन्य यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और आर्य समाज इन तीनों ने भी प्रबल प्रताप सिंह जी के साथ मिलकर यह कार्य किया है वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे पास यद्यपि आंकड़े हैं मेरे पास यद्यपि काफ़ी सूचनाएं हैं लेकिन चूँकि जो हिंदुओं की घर वापसी है वो एक इस प्रकार का एक संवेदनशील मुद्दा है कि मैं वे आंकड़े आपसे साझा नहीं करना चाहता आपको याद होगा कि एक बार विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्य इस तरह का कार्य आगरा में एक आयोजन किया था वो आंकड़े साझा कर दिए थे तो किस प्रकार से पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया था वो उनके सर पर पड़ा था जाके और उनको अपने कदम वापस खींचने पड़े थे और ये जब मोदी सरकार आई थी उसके आरंभिक दिनों की कुछ ही दिनों की बात है घर वापसी मैं बार बार कहता आ रहा हूँ बार बार आप सभी से आह्वान करता आ रहा हूँ कि घर वापसी हमारा सबका एक पुनीत कर्तव्य है और उस पुनीत कर्तव्य में जैसा कि तुफैल जी हमारे कहते रहते हैं प्रायः कि यदि एक हिंदू दो व्यक्तियों की घर वापसी करा ले तो जितनी भी हमारे यहाँ इस्लाम जनित समस्या है वो मिट जाएगी इसके लिए हमें स्वयं भी अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कई बार मैंने देखा है कि इसका प्रतिरोध हिंदुओं में ही अधिक होता है कई मुस्लिम जातियाँ पूरी तरह से सनातन धर्म में वापसी करने की इच्छुक हैं लेकिन उनका वही प्रश्न होता है कि क्या रोटी बेटी का संबंध हो पाएगा और वो रोटी बेटी का संबंध की जब उसकी बात आती है तो प्रायः हिंदुओं की ओर से उदासीनता दिखाई पड़ती है जिसके कारण ये लोग अपने कदम वापस ले लेते हैं लेकिन प्रबल प्रताप सिंह जी ने एक नई दिशा दिखाई है मैं यह आशा करता हूँ कि हमारे और भी हिंदू भाई बहन जो हैं इस और जागरूक हो के हमारे और भी संत समाज के लोग हमारे जो अखाड़े हैं ये सब जिस प्रकार से आपको ध्यान हो कि चित्रकूट में जब धर्म संसद लगी थी तो रामभद्राचार्य जी ने आह्वान किया था और वहाँ पर तो परम पूजनीय सरसंग चालक जी ने भी आह्वान किया था कि हम लोगों की घर वापसी करें उसको याद करके इस घर वापसी के अभियान की अलख जो है वो और भी तेजी से जले इसी आशा के साथ जय श्री राम